तो मैं इस समय मेरठ के इकलौता गांव में आ चुका हूं। आपको बता दें, कल पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा, मेडल जिताया। इस समय मैं पारुल चौधरी के घर पर मौजूद हूं, आप देख सकते हैं ये घर है पारुल चौधरी का। मैं वो थोड़ा उनके पिताजी से बातचीत कर लेते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई। नमस्कार सभी आप लोगों को। बस ये पारुल चौधरी का तो भाई ये है, हमें बड़ी खुशी है और हमारे गांव में बड़ी खुशी का माहौल है और गांव में खुशी मनाई जा रही है। अगर मैं शुरुआती सफ़र की बात करूं, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। शुरुआती सफ़र तो बड़ा संघर्ष का रहा उसका। संघर्ष ये रहा जी, अब वो भराड़ा स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ के प्रिंसिपल साहब थे मूलचंद गुप्ता। 15 अगस्त का दिन था जी, उन्होंने खेल करवाए तो पारुल फर्स्ट आ गई। तो एक भराड़े के हैं जी फौजी रिटायर, उसका नाम है सत्येंद्र फौजी। वो कहने लगा भैया वो स्पोर्ट्स से भर्ती होता है ना, स्पोर्ट करवा दो लड़कियों को, बड़ी अच्छी स्टेप है। प्रिंसिपल साहब कहने लगे भाई स्पोर्ट करवाओ ना। वो स्कूल की चैंपियन बन गई। भाई इसका हौसला बढ़ गया जी। वो बोल रहा सत्येंद्र फौजी ने कहीं ना कैलाश प्रकाश शेट्टी में करवा दो। तो दोनों बहन साइकिल से टोल टैक्स लो जाती थी, वहाँ से टेम्पू पकड़ कर और बेगमपुर और वहाँ से पैदल कैलाश प्रकाश स्टेडियम। वहाँ इन्हें इतना बढ़िया कोच मिला जिसका नाम है गौरव त्यागी। उसने बड़ा संघर्ष करा, बड़ी मेहनत करी और ये दोनों बहनें जब स्टेट नेशनल या वो खेलने थी तो ये फर्स्ट सेकंड आ थी दोनों बहनें। इनमें झगड़ा हुआ था, मैंने दोनों को फिर इन्हें एक को 3 किलोमीटर करवा दिया, एक को 5 किलोमीटर करवा दिया प्रीति को। वो प्रीति CSF में एसआई होगी। अब ये पारुल चौधरी जो ये अपना आप तुम देख रहे हैं, गांव का नाम रोशन करा। शुरुआती सफर बहुत संघर्ष भरा रहा, बहुत संघर्ष। तो गांव में यहाँ पर भी तैयारी करती थी? गांव में बड़ी खुशी की स्थिति है, बहुत खुशी का माहौल है। गांव में कोई मैदान है? नहीं जी, हमारे गांव में कोई मैदान नहीं है। जैसे संडे की छुट्टी रहती थी, गांव की कच्ची चकरोड थी, सड़क थी टूटी फूटी, जैसे किसी का भान जूता पड़ा उसमें दोनों बहन संडे में प्रैक्टिस करती थी, रेस लगाती थी। हमारे गांव में कोई मैदान नहीं है, ना कोई हमारे यहाँ ऐसी सुविधा है। जब ये कल प्रतियोगिता चल रही है, हमने देखा लास्ट की जो 30 सेकंड में बिल्कुल जो पासा पलटा, उस समय जब आप अपनी आंखें गड़ाई, आपने आंखें गड़ाई रखी थी उस समय, तो 30 सेकंड में आपने अपने क्या उस समय अनुभव किया? जब ये पारुल शुरू में रेस छूटी, ये 6ठे नंबर पर थे, हमारे दिल की धड़कन बहुत तेज स्पीड से घबराई हुई थी। मैं कहा भाई बेटी का क्या काम है, कल 3 किलोमीटर हुई उसमें सेकंड आई, और मैं कहा पारुल आवेगा नहीं नंबर। जब 4थे राउंड में पारुल 30 नंबर पर आ गई, हमारे मन को खुशी हुई कि पारुल अब निखरेगी। जब लास्ट उसमें वो दूसरे नंबर पर चल रही थी और मन ने अपनी बेटी की स्थिति देखी, बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, मैं कहने लाइन बालकों से मैं कहा फर्स्ट आएगी। मुझे इसका पता था कि 3 किलोमीटर में इसने रिकवरी पूरी नहीं करी, मगर इसने कल के लिए रोक ली। जब आप चर्चा कर रहे थे अपने परिवार से कि फर्स्ट आने वाली है, उस समय परिवार के लोग क्या कह रहे थे आपसे? अजीब, बस दिल की धड़कन बुझ मतना, कैसे घबराई हुई थी, और जिस टाइम फर्स्ट आ गई हो बस उस टाइम तो बुझ मतना, कितनी खुशी महसूस हुई अगर हमारी बेटी ने आज गाँव का और इंडिया का नाम रोशन कर दिया। बहुत खुशी है, घनी खुशी का माहौल है। आपसे सवाल ये कि क्या भारत सरकार से आपके कोई इससे पहले कोई मदद या सहायता मिली? ना जी, इससे पहले मैं कोई सहायता नहीं मिली। अब जो सरकार देगी वो हमारे सिर मत्थे रहेगी। देखिए, जो हमारे जो गांवों की और बेटियां हैं उनके लिए आपको संदेश देना चाहूँगा? मैं तो देना चाहूँगा जी बेटियों के लिए, अगर सब माँ बाप को मैं तो कहना चाहूँगा भाई बेटी का गला ना घोटें, बेटी का जो अरमान है उसे पूरा कराएं, चाहे किसी का पढ़ने में है, चाहे किसी का खेल में है, चाहे किसी का डॉक्टर में, मतलब बेटी का ना गला घोटें, अपनी बेटी के मन की इच्छा पूरी कराएं, चाहे पेट पट्टी बांध करें, पर बालक का हौसला बुलंद रखें, उसे साकार ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं, मैं पारुल चौधरी के घर पर मौजूद हूँ। या आप देखिए उनकी मेहनत, उनका संघर्ष आप देख सकते हैं। आप पिताजी कैसा लग रहा है इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है बेटे, बहुत खुशी का माहौल है। तो माता जी, ये जो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है 2018-19, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएं, किसने दिया है? ये योगी ने दिया। योगी जी ने? हाँ। आप देखते हैं इधर साउथ एशियन गेम्स 2019, ये भी आप वहाँ पर लगा हुआ है। और देखिए पारुल चौधरी टीम इंडिया एथलीट, और ये वर्ल्ड एथलीट क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उनकी जो मेहनत है, उनका जो परिश्रम है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पारुल चौधरी अगर आज इस मुकाम पर पहुँची हैं
तो उन्होंने कितना संघर्ष अपने जीवन में करा। उनकी माता से थोड़ी और बातचीत करने का पड़ेगा। माता जी, किस तरीके का संघर्ष आपका रहा? और मैंने तो अभी देखा जो सिल बट्टे का जो होता है उसके बारे में थोड़ा आप बताएं क्या रहा। अच्छा अच्छा जी, मतलब मेरी बिटिया ने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत के साथ यहाँ तक पहुँची है। और मेरी बिटिया अब तो रास्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहले तो कच्चे रास्ते थे, कच्चे रास्ते पर मेरी बिटिया रेस लगाती थी। और फिर कैलाश पर का इसके स्टेडियम में जाती थी। और मेरी लड़की 4 बजे उठ जाती थी सुबह। जो अगर मैं आखिरी 30 सेकंड की बात करूं, उस समय आपका क्या अनुभव रहा जो अब खेली है? हाँ जी बिल्कुल। बस उस टाइम तो दिल तो धड़क रहा था, बिटिया की मेहनत पता नहीं, जब मतलब पीछे ही थी तो दिल धड़क रहा था, पता नहीं बिटिया की मेहनत कैसा वो होगी। लेकिन ये हमें नहीं था, ये तो था कि मेडल आएगा जी। लेकिन ये नहीं पता था कि भाई हाँ गोल्ड आएगा। पर बिटिया ने मेहनत करी, अपनी मेहनत का रंग दिखाया और भगवान ने भी मदद करी तो बिटिया फर्स्ट आ गई। तो जैसे कल उभार दिया ने तो हमें नहीं पता था कि इकलौता है कहाँ। अब सबको ये पता चल गया कि इकलौते गांव की भी भाई लड़की यो कर सकती है। बहुत खुशी है हमें भैया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पदक, और इधर आप देखिए एशियन चैंपियनशिप 2019 कांस्य पदक विजेता पारुल चौधरी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ग्राम। मैं भैया के बहुत करीबी हूँ, तो हम बैठे रहे थे तो जिगरा चलता रहे तो आदमी बता ही दे। तो माँ बाप को तो देखो सबका ही रहे, माँ बाप के बिना सपोर्ट के तो कोई नहीं कर सका था भाई, ऐसा नहीं कि भैया ही करते थे। लेकिन हाँ श्रेय भैया को भी जाता है, माँ बाप को तो जाता ही लेकिन भैया को भी श्रेय जाता है। भाई ने अपना गेम छोड़ के अपनी बहन के पीछे लगा। कौन सा गेम खेलते थे भैया? भाई वॉलीबॉल खेलते थे और बढ़िया खेलते थे, ऐसी बात नहीं, बढ़िया। टाइम मिलता तो और अच्छा मेडल आता, लेकिन ऐसा है भाई स्थिति देखिए अपने घर की, भाई 2 खिलाड़ी तो ये बहन है, दोनों खिलाड़ी, एक छोटा भाई भी है उसे भी गेम कराना, अगर खुद भी गेम में लग जाते तो भाई फिर दिक्कत आती ना, खेती भी करनी है, इतने बड़े किसान नहीं, और भैया अंकल बेचारे कैसे कर लें। तो कहने का मतलब ये है इन्होंने भाई ने अपना संतुष्टि कर ली, भाई ठीक है मैं नहीं कर रहा लेकिन अपनी बहन को। तो कुल मिलाकर ये आज भैया की मेहनत जो हमारे की आज वसूल होगी। देखिए बिल्कुल जानना चाहेंगे इसकी क्या कहानी है पूरी। ये भैया इसको हमारी भाषा में गाँव में सिलबट्टा कहते हैं। इस पर जो है मम्मी अपना बादाम घोटती थी, रगड़ती थी इसको ऐसे, रात को बादाम भिगोए सुबह उनका छिलका उतार के रगड़ती थी सिल पे, उससे फिर वो दूध में छुपते थे और दूध छोक के फिर उन्हें पिलाते थे। देखिए ये मतलब कि आप जब खेल कर आती थी तो जी, माता जी पहले तैयार रखती थी, सब चीज़ें रखते थे। ये जैसे हमें पता था वो 8 बजे आ लेगी, 7 बजे आ लेगी, तो हम पहले ही रेडी रखते थे पीस के, बस उसको आए अपना प्रैक्टिस करके आए, वो हाथ मुँह धोए वो हुए और अपना दूध पिया, उसके बाद कोली चली गई।